हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव जोतरा। और हमने जैसा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की हुई है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काफ़ी सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन था, ठीक है, या कार्बोनाइन था, फ्री रेडिकल्स थे, और एक हमारा एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट रह गया जिसका नाम है कार्बीन्स। ठीक है, जनरली जो हमारी कुछ रिएक्शन आती हैं ऑर्गेनिक में, जैसे रिबर-टीमन रिएक्शन या फिर कार्बाइलामाइन रिएक्शन, वहाँ पर आपको कार्बिन्स जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि कार्बिन आपका बन जाता है, मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जहाँ पे ये कार्बिन आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन से सीधा प्रोडक्ट नहीं बनता, उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स आते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ कि आपको कार्बिन भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमने ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी अगर आप वो पिछली वीडियोज़ देखोगे, फ्री रेडिकल क्या, कार्बोकोटाइन क्या और कार्बोनाइन्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कि मैंने अभी बात की कि कार्बिन्स भी हमारा वैसे ही रिएक्शन इंटरमीडिएट है जैसे हमारे फ्री रेडिकल्स थे या हमारे कार्बोकोटाइन या कार्बोनाइन थे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिन के एक डेफिनेशन कहते हैं कोई न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन इंटरमीडिएट। ये क्या, हमारा न्यूट्रल स्पीसीज है। जैसे न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी थी हमारी, हमारी न्यूट्रल स्पीसीज फ्री रेडिकल थी, फ्री रेडिकल जिसपे एक एक और इलेक्ट्रॉन होता था। तो ये इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या आते हैं, हमारे पास कार्बन के ऊपर हमें दो इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे इस तरीके से। इसे लोन पेयर नहीं कह रहा मैं, अभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साथ में दो एटम्स होंगे जो बॉन्डेड होंगे। दोनों सेम भी हो सकते हैं, ए ए भी हो सकती है, या कोई बी कोई और भी एटम हो सकता है। तो ये क्या, कोवलेंटली बॉन्डेड है। कार्बन इंटरमीडिएट में जो कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू टू एटम्स, कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे ये दो, कोवलेंटली बॉन्डेड है एंड हैज नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। और दो नॉन बॉन्डेड हमारे पास क्या होंगे, जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में आएंगे या हम कह सकते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आपको क्या मैंने बताना कि कार्बन के पास कितने, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो चार छः, टू फोर सिक्स, ये दो ए होंगे, दो ये और ये दो, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं है, तो तभी ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है। तो इसको क्या चाहिए, कार्बन की टेंडेंसी क्या है, अपना पूरा यहां पे कंप्लीट करेगी, करना चाहेगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगी, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उससे क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या चाहेगा, ये मान लीजिए हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सपोज हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि इसके ऑक्टेट इसने कंप्लीट करना, आठ इलेक्ट्रॉन्स लेके आने, टू फोर सिक्स एट होने चाहिए थे, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा इस पर। तो हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे इसमें ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, जैसे ये, इसे क्या बोलते हैं, कार्बिन मिथाइलीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बिन या मिथाइलीन भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास क्या, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे और दो हमारे पास क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर नहीं कह रहा, ये क्या है, नॉन बॉन्डेड, मैंने वर्ड यहां पे लिखा था नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या, हमारे पास एग्जाम्पल मिथाइलिन की, यहां पे CCl2 भी हो सकता है, ठीक है, डाइक्लोरमीथेन मिथाइलिन कार्बिन जो होता है हमारे पास वो भी हो सकता है, पर ये क्या है, हमारे पास मिथाइलिन कार्बिन जिसके पास दो बॉन्डेड, ये हमारे पास क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सर मैं जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसे इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। ये आपको रिमर-टीमन रिएक्शंस वगैरह में भी, वहाँ पे भी आपको देखने को
मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी एक मेन चीज है कि ये क्या होते हैं, कार्बाइन्स अनस्टेबल, ये क्या है, अनस्टेबल शॉर्ट लिफ्ट। इनका जो हम कह सकते हैं स्पैन है, टाइम स्पैन जितना भी इनका, वो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही कम होगा, अनस्टेबल होगा। ये चाहेंगे कि क्या बनना चाहें, कि हम स्टेबल बन जाएं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। हमारे पास एग्जांपल देखो, ये क्या है हमारे पास, डाइएजो मीथेन, ये हमारे पास कीटीन, कीटीन, ठीक है। अगर इसमें हम फ्री रेडिकल्स देखें तो ये लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, या हम कह सकते हैं इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। मैंने क्या कहा था कि हीट से या लाइट से ये डीकम्पोज हो जाएंगे, कार्बिन्स बनेंगे। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर हमारी कार्बिन की, इस तरीके से ये कार्बिन हमें मिथाइलिन कार्बिन मिल जाएगा। यहां पे भी वैसे ही, और ये हमारी CO कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये तुम्हारे क्या है, हमारे मिथाइलिन, यहाँ के बोल क्या बोलते हैं इसे, मिथाइलिन कार्बिन, ठीक है जी। चले आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, ये देखिए। अब यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास CCl2 ये कार्बिन हमारी आ जाएगी, ठीक है, और Na और Cl यहां से निकल जाएगा, और बचा गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5OH के साथ, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोला, डाइक्लोरोकार्बिन, ये क्या हमारा बना, डाइक्लोरोकार्बिन। वहां पे हमने पिछली रिएक्शंस में क्या देखी, मिथाइलिन देखी, तो यहां पे क्या देखा, डाइक्लोरोकार्बिन। कैसे बनी, क्लोरोफॉर्म सोडियम इथॉक्साइड को रिएक्ट करवाया हमने, तो क्या हुआ, NaCl बाहर चला गया, H और C2H5 अल्कोहल बन गया, इथेनॉल, और क्या बचा हमारा, CCl2, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इसे मैं लोन पेयर नहीं बोल रहा, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। अगर हम कार्बिन्स की बात करें तो कार्बिन्स की दो तरीके की कार्बिन्स हमें मिलती हैं, सिंगलेट कार्बिन, यहां पर लिखते हैं सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट। ये सिंगलेट क्यों है, ये ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं हम इसे, ये आगे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं कि सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। लिखने पर तो दोनों सेम है, देखने में सेम है। जैसे ये हमारे पास सिंगलेट को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, या हम इस तरीके से यहां पे, ओपोजिट स्पिन, इसमें कैसे हम लिखेंगे, ओपोजिट स्पिन में लिखेंगे। ये यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp2। और sp2 आपको पता है कि sp2 जो होती है हमारे पास, उसमें हम क्या बात करते हैं कि sp2 कौन सी होती है, प्लेनर। sp2 कौन सी होती है, प्लेनर। अब ये आती कैसे, sp2 बनती कैसे है, देखिए हमें पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p2। इसको अगर हम लिखें इस तरीके से, लिख सकते हैं 2s2 को, p को इस तरीके से, अब जो हाइड्रोजन लगेगा वो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, हाइड्रोजन को भी, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, वो कहां पे बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां पे आके पेयरिंग करेगा इसके साथ, ये तो ये ऐसे रहेगा, ये मान लो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन,
दो हाइड्रोजन थे, एक यहां पे आ गया और एक यहां पे आ गया। तो यूज कौन से हुआ हमारे पास, कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाला एस और ये क्या है पी, पी के दो और एस का एक। अब जो बॉन्डिंग बनाई, बॉन्डिंग बनाई वो किसने बनाई, पी वाले ने बनाई हाइड्रोजन के साथ। दूसरा तो क्या था, एज इट इज वैसे था, जो हमारे दो हमें क्या नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इसे मैं लोन पेयर चलो कह सकता हूं, पर ट्रिपलेट में लोन पेयर नहीं बोलेंगे। पर ये क्या हमारे, इसे हम क्या मान के चलते हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हमारे बॉन्डिंग, किसके साथ बॉन्ड बनाई इसने, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि यहां पे वैकेंट पी ऑर्बिटल्स थे। तो ये वाला हमारा क्या है, वैकेंट पी, खाली ये वैकेंट पी ऑर्बिटल रह गया, और ये हमारे क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन यहां पे हमारे लग गए। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, इस तरीके से होगी, फिर ये हाइट ट्राइंगुलर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी, ये हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर, ये वाले पी सिग्मा सिग्मा, ये दो, एक हाइड्रोजन इधर लग गया। मतलब इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरीके से बनी थी, तो यहाँ पे क्या बन गया हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया हाइड्रोजन, और ये क्या हमारा दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा दोबारा, ये आपको शो करने के लिए था, दोबारा मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, ये क्या हमारा हाइड्रोजन और ये क्या हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये वाला था हमारा वैकेंट, ये क्या हमारा वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये बन क्या रही है, ये बन क्या रही है ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर में कितनी होती थी, हमारा क्या एंगल आता था ट्रायंगुलर में, जो प्लेनर होता था 120 डिग्री, पर यहां पे क्या है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन के कारण इसका एंगल 103 का हो जाता है। इसका एंगल कितना रहता है 103, बेंट शेप कह सकते हैं इसे, क्या कहते हैं बेंट शेप्ड, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखने वाली क्या थी, मेन चीज क्या थी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं हमारे वो एक ही ऑर्बिटल में आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ रहे हैं हमारे, एक ही ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे कर दो, दोनों एक में, दो बॉन्डेड, दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और दोनों क्या है एक में ही है। ट्रिपल में हम देखेंगे एक इधर होगा और एक इधर चला जाएगा, पर यहां पे क्या है दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है एक ही ऑर्बिटल में आ रहे हैं, ठीक। अब जैसे मैंने क्या कहा आपको कि यहां पे नॉन बॉन्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, वो एक ही ऑर्बिटल में आ रहे हैं, पेयरिंग में आ रहे हैं दोनों, यानी कि एक यहां पे एक यहां पे, दोनों एक में ही है, पेयर्ड है, पेयर्ड है। तो अगर पेयर होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनती है, कार्बन की स्ट्रक्चर है वो क्या है डायमैग्नेटिक इन नेचर, किसकी सिंगलेट की। तो मैंने बताया था जो पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक है, अगर वो अनपेयर्ड होंगे तो वो क्या होंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। में क्या है ट्रिपलेट में क्या होगा, जो भी हमारे, जैसे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, दोनों की स्पिन, दोनों की स्पिन या तो क्लॉकवाइज रहेगी या दोनों की एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये क्या है हमारा ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या है कि दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो यहाँ पे जैसे वैकेंट ऑर्बिटल खाली था ना, वहां पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वैकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल नहीं मिलने वाला। तो कैसे नहीं मिलेगा, देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। वैसे कार्बन है हमारे पास, कार्बन की कितनी होती कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में पहले ये देखिए क्या है, ये इस तरीके से रहेगा। अब 2s2, 2p2, अब ये वाला एक्साइटेड स्टेट से यहां से निकल के यहां पे चला गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, अब हाइड्रोजन दो है, तो दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन
यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया। अब दो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ये दोनों क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, यहाँ पे गए, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे, अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हुए थे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर आती है लीनियर। ये देखिए दो सिग्मा बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये और ये यहाँ पे हमारे आगे यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। अब हमारे बचे पी, ये मान लो ये पी एक्स था, ये पी वाई पी जेड, ये हमारा आ गया पी वाई और ये क्या था पी जेड। अब एक इलेक्ट्रॉन अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, एक वैकेंट था, यहां पे कोई भी वैकेंट नहीं है। यहां पे क्या था, दोनों पेयर थे, पेयर थे इसलिए ये डायमैग्नेटिक था। यहां पे जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, अनपेयर्ड, सिंगली फिल्ड है ना, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये चीज, क्योंकि सेम स्पिन है, सेम स्पिन, ये स्पिन ऊपर भी क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे क्या था, देखिए यहां पे क्या है, सीधा यहां पे ये डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पे क्या था वैकेंट, जो यहां पे क्या थे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयरिंग में थे, यहां पे क्या है अनपेयर्ड, ठीक है। तो यहां पे ऑपोजिट स्पिन थी, तो ये क्या है डायमैग्नेटिक और ये क्या हमारे बन गए पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या थी इसकी, क्या है लीनियर, पता ही हमें कि लीनियर है, लीनियर 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये क्या था हमारा बेंट शेप्ड, क्यों, क्योंकि यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हो रही थी, और ये हमारा एंगल क्या था 180 डिग्री, ये क्या बन जाएगी हमारी ट्रिपलेट कार्बन, क्या बनेगी लीनियर। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इसे सिंगलेट क्यों बोलते हैं और इसे ट्रिपलेट कार्बन क्यों बोला जाता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। आती है कि ये अगर हुंड्स रूल आपको पता होगा तो हुंड्स रूल क्या कहता था, हुंड्स रूल कहता था कि पहले क्या होंगे ऑर्बिटल में सिंगली फील्ड होंगे, ठीक है, सिंगली फील्ड होंगे, फिर उसकी बाद दोबारा उसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स की पेयरिंग होगी, पहले सिंगली फील्ड, उसके बाद क्या होगा उसकी पेयरिंग होती जाएगी। तो इसमें हुंड्स रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड है पी ऑर्बिटल, ये वाला ये पेयर्ड है, ठीक है, इस पे क्या है पहले सिंगली फील्ड किए गए हैं, सिंगली फील्ड। तो यहाँ पे हुंड्स रूल, अगर हम कहें हुंड्स रूल यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। इसे एक और नाम देते हैं सिंगलेट कार्बिन को, हम बोलते हैं हॉट मिथाइलिन, इसको बोलते हैं कोल्ड मिथाइलिन, हॉट मिथाइलिन, कोल्ड मिथाइलिन। अब बात आई कि इसे सिंगलेट क्यों बोला, इसे ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोला, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको सिंगलेट इसलिए बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं, ये भी कुछ हम कह सकते हैं रीजंस हैं, क्योंकि मेन में हम शुरू से बात कर रहे हैं सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन, है ना। तो सिंगलेट कार्बिन क्यों बोला जाता है इसको, ये हम एक इसकी स्पिन स्टेट के अकॉर्डिंगली, स्पिन स्टेट, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा प्लस वन में ना, आपको पता होगा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर होता था हमारे पास, तो एस के है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहां पे देखो, वहां पे स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम लिखते थे किस तरीके से, प्लस 1/2 माइनस 1/2 ऐसे लिखते थे, कोई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, इसको भी माइनस बोल सकते हैं, इसको भी प्लस बोल सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चलो हम मानते हैं शुरू से देख, जो हम देखते आ रहे हैं बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है प्लस 1/2, ये क्या है माइनस 1/2, मतलब ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे इसकी वैल्यू भर के देखो, यहां पे ये मॉड आ गया, यहां पे क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसमें सिंगलेट में, मतलब इसमें प्लस 1/2 और माइनस 1/2 वैल्यू होगी, फिर वैल्यू कैसे आएगी 2 × 1/2 माइनस 1/2 प्लस और प्लस 1, ये कट गया 2 × 0 कट गया 0, ये क्या आ गया हमारा 1, तो ये 1 वैल्यू आई, तभी ये क्या बना सिंगलेट कार्बन। अब इसकी अगर देखें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
ट्रिपलेट में देखो, ट्रिपलेट में क्या है, दोनों ही स्पिन या तो हम क्लॉकवाइज कह सकते हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये दोनों क्या है, इस तरीके से क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर क्लॉकवाइज है या तो दोनों 1/2 हाफ प्लस 1/2 या माइन या दोनों -1/2 होंगे। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसमें, यहाँ पे एस में 2 × 1/2 + 1/2 × 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 4 × 2 कट कट गया यहाँ से, और ये कितनी आ गई हमारी 3, यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ पे कितनी आई 1, तभी इसको क्या बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, इसको क्या बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे S की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है +1/2 + 1/2 या -1/2 या -1/2, क्योंकि इसकी स्पिन एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 3, 1 के कारण सिंगलेट और 3 के कारण ट्रिपलेट कार्बिन। आज के लिए बस इतना ही था, आज का ये हमारा पार्ट वन है। अगले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में से स्टेबल कौन है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे, ठीक है, जहाँ पे हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन्स लगाएंगे और देखेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, तो अगले पार्ट 2 लेके दोबारा हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब।